रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने आईपीएल में होने वाले मिनी ऑक्शन से पहले ही क्विंटन डीकॉक को अपनी टीम से रिलीज कर दिया है। डीकॉक अब मुंबई की टीम की तरफ से ट्रांसफर होकर खेलने वाले हैं। लेकिन डीकॉक के अलावा दोस्तों पांच ऐसे खिलाड़ी और हैं जिन्हें आरसीबी की टीम रिलीज करने वाली है, रिलीज कर सकती है इस पूरी नीलामी प्रक्रिया से पहले। तो अंत तक हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप भी आईपीएल के जबरे वाले फैन है और आईपीएल 2019 का इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहले खिलाड़ी जिन्हें आरसीबी की टीम रिलीज करना चाहेंगी वो है मोइन अली। मोइन अली को पिछली आईपीएल की नीलामी में 1.7 करोड़ रुपए की कीमत पर आरसीबी की टीम ने खरीदा था। इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं था। इन्होंने अराउंड 4-5 मैचेस ही खेले थे जिसमें इन्होंने ना अच्छे खासे विकेट ले पाए थे ना रन्स कर पाए थे और इसीलिए विराट कोहली बिल्कुल भी अब इन पर भरोसा नहीं जताएंगे। दूसरी बड़ी बात दोस्तों इनके साथ ये है कि वर्ल्ड कप को लेकर ये शायद पूरा आईपीएल भी ना खेले, बीच में ही आईपीएल को छोड़ सकते हैं और इसीलिए इन्हें रिलीज जरूर करा जाएगा। दोस्तों दूसरे खिलाड़ी जो कि रिलीज होना जिनका तय है वो है मुरुगन अश्विन। 2 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम देकर आरसीबी की टीम ने मुरुगन अश्विन को लिया था लेकिन इनका परफॉर्मेंस बहुत बुरा था। इन्होंने 2 मैचेस खेले थे, सिर्फ 3 विकेट लिए थे। ये बिल्कुल भी आरसीबी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे थे। आरसीबी ने जो पिछला ऑक्शन हुआ था उसमें लोकल टैलेंट्स, लोकल खिलाड़ियों पर काफी ज्यादा बिडिंग की थी और यही शायद उनका प्लान बैकफायर कर दिया था और इसीलिए ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस टूर्नामेंट में नहीं दे पाए थे। मुरुगन अश्विन इनके टारगेट पर रहेंगे और ये भी रिलीज होने वाले हैं। दोस्तों तीसरे खिलाड़ी जो कि रिलीज हो सकते हैं आरसीबी की तरफ से वो है सरफराज खान। सरफराज खान को रिटेन किया गया था जो कि बहुत बड़ी बात थी। 2018 में अराउंड 3 करोड़ रुपए इन्हें दिए गए थे सरफराज खान को एक सीजन आईपीएल खेलने के, लेकिन इनका परफॉर्मेंस बहुत बुरा था। पिछले आईपीएल में ये विराट कोहली की उम्मीदों पर बिल्कुल खड़े नहीं उतरे थे। इन्होंने अराउंड 4-5-6 मैचेस खेले थे, ज्यादा मैचेस ये खेल भी नहीं पाए थे और रन्स तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किए थे जिसके कारण आरसीबी का मिडिल ऑर्डर शेकी हुआ। अपर ऑर्डर में भी खिलाया गया, वहां भी ये नहीं चले। मेरे हिसाब से इन्हें रिलीज जरूर किया जाएगा। ये अब नीलामी में जाने वाले हैं और आरसीबी ने रिलीज करने वाली है। दोस्तों चौथे खिलाड़ी जो आरसीबी की तरफ से रिलीज हो सकते हैं वो है पवन नेगी। 2015 में ऐसा लग रहा था कि पवन नेगी अब एक परमानेंट स्पॉट बना लेंगे टीम इंडिया में, लेकिन अब ये स्थिति हो गई है कि 1 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा गया था 2018 में। इन्हें 1-2 मैचेस ही खिलाए गए आरसीबी की तरफ से। इनका परफॉर्मेंस बहुत बुरा था, इनकी पिटाई भी अच्छी खासी हो गई थी और इसीलिए अब आरसीबी की टीम शायद इन पर भरोसा नहीं जताने वाली है और इन्हें भी नीलामी में भेजेगी रिलीज्ड करकर। दोस्तों पांचवें खिलाड़ी जिन्हें रिलीज कर सकती है आरसीबी की टीम वो है कोरी एंडरसन। कोरी एंडरसन को तो पहले इस पूरी आईपीएल की नीलामी प्रक्रिया में खरीदा ही नहीं गया था, बाद में ये ट्रांसफर के रूप में आरसीबी की टीम में इन्होंने एंट्री ली थी। 2 करोड़ रुपए दिए थे इन्हें एक सीजन खेलने का। आरसीबी ने इन्होंने बहुत बुरी तरीके से दोस्तों डिसअपॉइंट किया था विराट कोहली की टीम को। ना इनका परफॉर्मेंस निकला, ना इन्होंने रन बनाए, ना इन्होंने विकेट ले पाए, इसीलिए इनका रिलीज होना तय है क्योंकि वो एक ओवरसीज स्पॉट जरूर बनाना चाहेगा नीलामी से पहले आरसीबी की टीम। सो दोस्तों ये तो थे वो 5 खिलाड़ी जो हमें लगता है आरसीबी की टीम कर सकती है रिलीज। आपकी चॉइस क्या है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों हमने ट्विटर पर भी अब अपना अकाउंट बना लिया है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में ट्विटर की भी लिंक मौजूद है, ट्विटर पर जाकर भी फॉलो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।